इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात को गांठ बांधकर पकड़ लीजिए, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को जैसा भी बनता है बना कर आना है। प्रश्न पहला, निम्न का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर दो गद्य दिया हुआ है जिनका हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, निम्न का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ दो श्लोक दिया हुआ है, दोनों श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। आगे प्रश्न तीन, निम्न प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो प्रश्न तीन में कुल 7 प्रश्न संस्कृत में दिया गया है और इन 7 ही प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में ही देना है। प्रश्न चौथा है, उचित संबंध जोड़िए। 5 उचित संबंध दिया है, इन 5 का सही संबंध बनाकर जोड़ना है। आगे है प्रश्न पांचवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें भी 5 रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान में उचित शब्द है उसकी को लिखकर पूर्ति करना है। प्रश्न छठवा है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 5 जो हिंदी में दिया हुआ है, इन 5 को संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। प्रश्न छठवा है, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। 4 संधि दिया हुआ है, इन 4 में से कोई भी 3 का संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी लिखना है। प्रश्न छठवा का ही ख है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 समास दिया हुआ है, जिनमें से कोई भी 3 समास का समास विग्रह करके उनका नाम भी लिखना है। प्रश्न सातवा का आ है, निर्देश अनुसार कारक रचना 3 वचनों में लिखिए। से कोई 3 का 3 वचनों में लिखना है। प्रश्न 7 का बा है, धातु रूप काल रचना 3 वचन में लिखना है। 4 दिया हुआ है, जिनमें से कोई भी 3 काल रचना अर्थात धातु रूप में लिखना अलग कीजिए। 3 दिया है, उनमें से कोई भी 2 का धातु और प्रत्यय में अलग करना है। आठवा कक्षा है, 2 अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। इनमें भी 3 है, उनमें से कोई 2 का ही शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। आठवा का ग है, निम्न उपसर्ग से सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर 3 दिया है, जिनमें से कोई भी 2 शब्द चयन करना है, इनमें से कोई भी 2 का उपसर्ग बनाना है। घ है, निम्न संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर भी 4 संस्कृत में जो अंक दिया हुआ है उनको संस्कृत में लिखना है। प्रश्न नौवा का है, किसी एक कहानी का सारांश हिंदी में लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर दधीची और चतुर्वानर इन दोनों में से कोई भी एक का हिंदी में लगभग 50 शब्दों में कहानी लिखना है। प्रश्न नौवा कक्षा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 सूक्तियाँ लिखो। कोई भी 2 सूक्तियाँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जो आपको याद है, उन्हें लिख देना है। प्रश्न दसवा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए एक सुभाषित श्लोक लिखना है। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, ऐसे कोई भी एक श्लोक लिख देना है। प्रश्न 11, अपने पिता को संस्कृत में पत्र लिखो अथवा प्राचार्य को शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र संस्कृत में लिखो। यहाँ पर 2 आवेदन दिया है, इनमें से जो भी याद है उस आवेदन को संस्कृत में लिखना है। प्रश्न 12 है, निबंध लिखिए कोई एक। यहाँ पर कुल 3 निबंध दिया है, तीनों में से कोई भी एक नियम जो भी याद है उसे लिख देना है। तो पहला है उद्यानम, दूसरा है गृहम, तीसरा है पुस्तकालय। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही।